हेलो गाइस, आज मैं आपको जो मैंने 12th जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करवा रखा था ना, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रही हूं आपको सोल्व। ठीक है, तो देखो 5.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा रही हूं आपको, 5.3 के भी करवाऊंगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि जो एपी की 17th टर्म है ना, ठीक है, एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7, जो 7 टर्म थी ना उसको क्या कर दिया, 10 बढ़ा दिया। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कर लिया, जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, डी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, डी होता है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का वन इंटू में क्या होता है, डी होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, ए 17 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सेवनटीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कितना है, 10 टर्म को क्या किया, 7 सक्सीड किया, तो यहाँ पे कितना गया, 10 आ गया, प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी, कितना एक्सीड किया है, जो 17th टर्म थी ना उसके अंदर ए 10 में और 7 क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो ए 10 प्लस का कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर, तो देखो ए 17 को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए 17 को क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस का 16d लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो ए प्लस का 16d आ गया, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, 1 और 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ए 10 प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस का 16d आ गया। ठीक है, और ए 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस का 9d लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ए प्लस का 9d प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस का 16d आ गया। क्लियर, अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बताओ किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है, 9d 16d में से 9d गया, कितना बच गया, 7 बच गया, तो 7d इज इक्वल टू 7। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, 1 आ गया। हमें फाइंड आउट करना था क्या, कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था। ठीक है, दोबारा देखो क्या बोल रहा था कि जो एपी की 17 टर्म है ना उसको एक्सीड कर दिया, कितना, उसकी 10th टर्म से प्लस में क्या कर दिया, 7, यानी कि उसकी 10th टर्म में क्या ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया, वो जो हमारे पास टर्म बन रही हो क्या बन रही है, ए 17 बन रही है। ठीक है, तो ए 17 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 16d किस फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी फॉर्मूले से। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 17, तो 16d हो जाएगा। क्लियर, अब ए 10 प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस का 16d आ गया, दोनों इक्वेशन को क्या करते, इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, हमारे पास ये बता रही कौन सी टर्म है वो इस एपी की, क्या एपी का दरके 3, 15, 27, 39 अप टू 100। ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ये कह रहा है कौन सी टर्म है ना जो इस एपी की, कौन सी टर्म ऐसी आएगी जो क्या आएगी, इसकी 54th टर्म से कितनी ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी, ये बताना हमें। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, टर्म फाइंड आउट करनी की कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 3, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर, तो अब देखो ए एन हमारे पास क्या होता है, ए एन हमारे पास क्या दे रखा है इसने, कि ए 54 प्लस का 132, यहाँ से हमें क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। क्यों, इसने क्या बोला है कि इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो क्या होगी, उसकी 54th टर्म से क्या हो जाएगी, 132 क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, अगर ये बनानी आ गई ना फिर तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। ठीक है,
तो देखो ए एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस में एन माइनस का वन इंटू डी लिख सकती हूँ, ठीक है। ए 54 को मैं क्या लिखूंगी, ए प्लस का 53D लिखूंगी और प्लस का 132 क्या है, एज इट इज है, क्लियर। तो ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए से क्या हो गया, बोथ साइड से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया एन माइनस का वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी थी 12 थी, तो इंटू में 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 53 इंटू में 12 प्लस का 132, क्लियर। अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना आ गया एन माइनस का वन इंटू में क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करिए तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ से एन माइनस का वन इज इक्वल टू क्या आ गया 768 अपॉन में क्या हो गया 12 हो गया, ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में था इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितने पे कटेगा 12 6 पे 64 पे आ जाएगा, ठीक है। तो एन माइनस का वन हमारे पास कितना आ गया 64 आ गया, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 64 प्लस का वन कितनी आ गई 65 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब एन की वैल्यू क्या आ गई 65 आ गई, यानी कि इस सेट पी की जो 65 टर्म है ना वो हमारे पास क्या आएगी 132 ज्यादा आएगी उसकी 54 टर्म से, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 65, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, हाउ मेनी 3 digits आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। हमें यहाँ सीट बनेगी कितनी डिजिट है वो हमारे पास क्या आएंगे डिविजिबल बाय 7 आएगी आएगा डिजिट, ठीक है। 7 से डिविजिबल होने वाली कितनी डिजिट आएंगी, ठीक है, 3 digits का नंबर बताना है, ठीक है। तो 3 digits है वो जो 7 से डिवाइड होती है वो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला नंबर क्या होता है 105 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 112 आता है, 77 के गैप में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 119 आता है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 994, ये हमारे पास लास्ट नंबर होगा जो 7 से क्या होगा डिवाइड होगा, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ दीज नंबर्स क्या मान लिए, एन मान लिया मैंने, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 105 आ गई, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 112 माइनस का 105 कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 आ गई, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म कितनी देखी है 94 में, यानी कि ए एन की वैल्यू कितनी देखी है 994 देखी है, क्लियर। तो अब देखो ए एन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस का वन इंटू में डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 994 इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 105 प्लस में एन माइनस का वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 105 को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, तो 994 माइनस का 105 इज इक्वल टू कितना आ गया एन माइनस का वन इंटू में क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 14.5 गए ना 889 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ गया एन माइनस का वन इंटू में 7। अब ये इधर आगे 7 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, उधर मल्टीप्लाई में पड़ा इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 889 को क्या कर देंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ गया एन माइनस का वन आ गया, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 127, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया एन माइनस का वन, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 128 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास कितनी ऐसे नंबर आएंगे जो 7 से क्या आएंगे डिवाइड होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी 128 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो करवा रही हूँ मैं, ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। हमें ये बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल लिख लिया हम यहाँ पे, 4 के मल्टीपल हमारे पास क्या क्यों है, सबसे पहला क्या होगा 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, इस तरीके से आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास कितना आएगा 248 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा 248 आएगा 4 का मल्टीपल, क्लियर। अब भाई हमें ये बताना है कितने जो 4 के मल्टीपल हो इसके अंदर इसके बीच में लाई करते हैं ये बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस का 12 कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। उसके बाद ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 248 दे रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, आ गया समझ में। तो देखो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस
एन माइनस का वन इंटू में क्या होता है डी होता है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 प्लस एन माइनस का वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 248। सारी की सारी वैल्यू लिख दी हमने, अब इसको क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इधर आगे 12 क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू एन माइनस का 1 आ गया, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 8 में 2 गए 6, 4 में 3 गया 3, 2236 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या आ गया एन माइनस का 1। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइस में हो जाएगा, ठीक है। तो 236 अपॉन में 4 इज इक्वल टू क्या आ गया एन माइनस का 1 आ गया, ठीक है। इसको 4 पे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 पंच 20 चार चौके 16, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, ठीक है। 236 था, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो n माइनस का 1 हमारे पास कितना आ गया 59 आ गया, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 आ गई, ठीक है। तो जो इनके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में, वो कितने लाई करेंगे 60 लाई करेंगे। आया क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। इस एपी की हमें क्या निकालनी है 20th टर्म निकालनी है, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म से निकालनी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 माइनस का 3 कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई, क्लियर। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 253 दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में क्या होता है डी के इक्वल होता है, क्लियर। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 253 दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और क्या निकालनी थी 20th निकालनी थी, ठीक है। तो इनके ए 20 निकालना था, ठीक है। तो देखो ए 20 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस का 19d आ जाएगा, ठीक है। ए 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ ए प्लस का 19d लिख सकती हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 253, ए की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 253 दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म उसने बोला लास्ट में से निकालो, यहाँ से यहाँ पे मैं एक चीज देखना भूली, क्या लास्ट में से निकालनी है, तो ए की वैल्यू 3 नहीं है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एक बार दोबारा देखो इसको, ए की वैल्यू ये एपी ऐसे है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 253 है, ठीक है, उल्टी है ये एपी। तो और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी माइनस का 5 आएगी, 3 माइनस का 8, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस का 8 क्या आएगी माइनस का 5 आएगी, ठीक है। वापिस से निकालेंगे हम उल्टी उल्टी साइड से, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या देखा है 820, उसने बोला 20 टर्म निकालो, तो 820 हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस का 19d आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी 253 दे रखी है, प्लस का 19 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है माइनस का 5 दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 253 माइनस का 1995, ठीक है। तो माइनस पे क्या आ गया 95 आ गया, तो अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 158 आ जाएगा, ठीक है। तो जो 820 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 158 आ जाएगी, ठीक है। हमें इसके अंदर क्या निकालनी थी 20th टर्म निकालनी थी। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या बोल रहा है कि जो सम है ना फोर्थ टर्म का और एट्थ टर्म का एपी की वो कितना दे रखा है 24 दे रखा है, ठीक है। इसने बोला फाइंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44। उसने क्या बोला है एंड जो सम दे रखा है ना किसका सिक्स टर्म का और टेंथ टर्म का वो कितना दे रखा है 44 दे रखा है, फोर्थ और एट्थ टर्म का कितना दे रखा है 24 दे रखा था, ठीक है। इसने बोला फाइंड द लास्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, हमें क्या निकालनी है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, सॉरी फर्स्ट जो पहली तीन टर्म्स है ना एपी की वो निकालनी है, ठीक है। तो देखो गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म है एपी की वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है एपी की, फर्स्ट टर्म क्या होगी ए होगी, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया डी हो गया, ठीक है। फर्स्ट में उसने क्या बोला था ए 4 प्लस का ए 8, यानी कि ए 4 प्लस का ए 8 कितना दे रखा है 24 दे रखा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। ए 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ ए प्लस का 3d लिख सकती हूँ, प्लस में ए 8 को क्या लिख सकती हूँ ए प्लस का 7d इज इक्वल टू 24, क्लियर। ए प्लस का ए कितना हो गया 2a हो गया,
प्लस में 3d प्लस का 7d कितना हो गया 10d हो गया, इज इक्वल टू में कितना हो गया 24। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस का 5d इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट होगी हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, 6th टर्म और 10th टर्म कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये इनकी क्या दे रखा है, a 6 प्लस a 10 कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। ठीक है, a 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस का 5d प्लस में a 10 को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस का 9d इज इक्वल टू में 44। क्लियर, a प्लस का ये कितना हो गया, 2a हो गया, 2a प्लस का 9 और 5 हमारे पास कितना हो जाएंगे 14, तो हमारे पास क्या हो गया 14d इज इक्वल टू कितना हो गया 44। ठीक है, वही इस पूरी इक्वेशन को भी 2 से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, तो क्या आ गया a प्लस का 7d इज इक्वल टू कितना आ गया 22। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और सेकंड से मैं क्या कर दूंगी, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी, a प्लस का 5d इज इक्वल टू क्या आई थी 12 आई थी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, a प्लस का 7d इज इक्वल टू कितनी आई थी 22 आई थी। ठीक है, ये आई थी। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, क्लियर, a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5d माइनस का 7d कितना आएगा, माइनस का 2d आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 10, माइनस में माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आगी, 5 आगी। ठीक है, अब डी की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में पुट करके क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस का 5d इज इक्वल टू क्या था 12, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस का 5 × 5, डी की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 12, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आगी 12 माइनस का 25। ठीक है, तो 12 माइनस का 25 a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 13 आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 13 आ गई। क्लियर, आ गया समझ में। अब हमने क्या बोला था, इसने बोला था पहले 3 टर्म निकाल लो, अब a की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो क्या क्या हो जाएगी, माइनस का 13 आ गई, नेक्स्ट क्या आएगी, माइनस का 8, क्यों, माइनस का 13 प्लस का 5 माइनस का 8, और माइनस का 8 प्लस का 5 क्या आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी f की। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो क्या रखा, अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगी आपको मैं। ठीक है, हर टाइप की करवा दूंगी। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी दे रखे हमारे पास क्या 9, 17, 25, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ठीक है, तो मैं बता रहा कि कौन सी जो कितनी जो टर्म्स आएंगी ना इस एपी की, जिनका सम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 636 आ जाएगा, इनके 636 आ जाएगा, ये बताना हमें। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 माइनस का 9 कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आगी 8 आगी। एस एन सम दे रखा, तो एस एन हमारे पास क्या रखा है 3636 दे रखा। ठीक है, अब देखो एस एन का सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में क्या होता है डी, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितनी दे रखे 636, तो यहाँ पे क्या आ गया 636 आ गया इज इक्वल टू एन बाई टू, तो n बाई टू, n की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो n बाई टू इंटू टू ए, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 9 प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 8 आई है। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो इस छत तो जो हमारे पास क्या था 636 था, यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर दी 9, तो ये देखो 636 इज इक्वल टू कितना आ गया n बाई टू इंटू 18 प्लस में 8 इंटू एन माइनस का 1। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगी 2 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो 636 इज इक्वल टू एन, अंदर क्या बचेगा 9 प्लस का 4 इंटू एन माइनस का 1 बच जाएगा। क्लियर, अब इस एन को अंदर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 636 इज इक्वल टू क्या आ गया 9n प्लस का 4n स्क्वायर और माइनस का क्या आएगा 4n। क्लियर, ये आ गया मेरे पास 9n प्लस, ये कितना है 9n
अब 9n माइनस का 4n कितना आ गया, 5n आ गया, तो इक्वेशन क्या बन गई, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करके ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको क्या करूंगी, जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करूंगी मैं। ठीक है, तो देखो 4n स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, 53n माइनस का 48n। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या किया, ये आपके 636 के 4 की मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस का हमारे पास क्या आ गया, 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें से और इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, सिर्फ n कॉमन आएगा, तो n कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 4n प्लस का 53। ठीक है, अब माइनस का यहां से हमारे पास कितना आएगा, 12 कॉमन आएगा, तो 12 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 4n प्लस का 53 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो आगे क्या जाएगा, क्या आ गया, अब क्या आ गया, 4n प्लस का 53 मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, n माइनस का 12, तो n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो n की वैल्यू क्या आ गई, 4n इज इक्वल टू माइनस का 53, और एक यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, 12, यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 53 अपॉन में 4। ठीक है, ये दो वैल्यू होगी हमारे पास, n की वैल्यू हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4n प्लस का 53 नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि कितनी टर्म्स आएंगी CFP की, जिनका सम 636 आएगा, तो कितनी आएंगी, 12 टर्म आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें क्या निकालना है, पहली जो 22 टर्म है उनका सम निकालना है, जिसके अंदर डी की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 दे रखी है, और जो उसकी 22वीं टर्म है ना, यानी जो 22वीं टर्म है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 149 दे रखी है। ठीक है, तो देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो डी की वैल्यू दे रखी है क्या, 7, एक हमारे पास क्या दे रखा है, 822 दे रखा है, कितना, 149, और हमें क्या निकालना है, सम निकालना है 22 टर्म्स का। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, और ए की वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, तो देखो, और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में क्या होता है, डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 149 दे रखी है, तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1, इनके 148 हो जाएगा, एन माइनस का 1, एन की वैल्यू क्या है, 22, 21 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, 7, तो ए प्लस में हमारे पास क्या आ गया, 7, 147। ठीक है, यहाँ पे क्या, 149, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 149 माइनस का 147, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें क्या निकालना था, सम निकालना था, तो ऐसा हमारे पास क्या होता है, एन बाई टू इंटू क्या होता है, ए प्लस का एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म गिवन है क्योंकि आपकी बार। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास क्या आ जाएगा, एस 22 निकालना है। ठीक है, 22 टर्म्स का निकालना है, तो एस 22 हमारे पास क्या आ जाएगा, एन बाई टू, यानी कि 22 अपॉन में 2। ठीक है, 22 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस में एल, एल हमारे पास कितना दे रखा है, 149। ठीक है, तो 149। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, 11, तो 11 इंटू हमारे पास क्या आ गया, 151। ठीक है, तो 11 के 151 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1661 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी 22 टर्म आ गई, जिनका सम है वो हमारे पास क्या आ गया, 1661 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना था, सम निकालना था पहली 22 टर्म्स का। ठीक है, पहले मैंने क्या निकाली, ए की वैल्यू निकाली, क्योंकि ए की वैल्यू दे नहीं रखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया, किसका यूज करके, एन बाई टू इंटू ए प्लस का एल का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें क्या निकालना है, जो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, किसके डिविजिबल बाय 6 से जो डिवाइड होते हैं, उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आएंगे, 6 के मल्टीप्लाई आएंगे, पहला क्या आएगा, 6 ही आएगा, दूसरा क्या आएगा, 12, 6 के 18, 6 चौका 24, इस तरीके से चलते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 240। ठीक है, क्या आ जाएगा, 240। क्लियर, उसके बाद देखो हमें क्या निकालना था, सम निकालना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 माइनस का 6 कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर, और क्या क्या दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट 40 टर्म्स बोल रहा उसने। क्लियर, तो अब हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस
एन माइनस का वन इंटू में क्या होता है डी, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू में क्या निकालना है, एस फोर्टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एस फोर्टी हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्टी बाय टू इंटू टू ए, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है सिक्स, प्लस में एन माइनस का वन, एन माइनस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है फोर्टी है, तो फोर्टी माइनस का वन, ठीक है, इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है सिक्स है, क्लियर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ट्वेंटी आ गया, ठीक है। तो ट्वेंटी इंटू ट्वेल्व प्लस थर्टी नाइन इंटू सिक्स, ठीक है। तो ट्वेंटी इंटू ट्वेल्व प्लस थर्टी नाइन को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टू थर्टी फोर आ जाएगा, क्लियर। तो ये कितना आ गया ट्वेंटी, इसके अंदर ट्वेल्व ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा दो सौ छियालीस, ठीक है, टू फोर्टी सिक्स। अब टू फोर्टी सिक्स की और ट्वेंटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दो से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक जीरो लगा दो पीछे, तो कितना आ जाएगा फोर नाइन टू जीरो, ठीक है। तो एस फोर्टी हमारे पास कितना आ गया, फोर नाइन टू जीरो आ गया, ठीक है। यानी कि जो सम था हमारे पास फर्स्ट फोर्टी पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो सिक्स से क्या डिवाइड हो रही थी, उनका सम हमारे पास कितना आ गया, उनचास बीस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इनका सम आ गया। आगे समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ दो ही दो अपने लग रहे हैं, एक तो एस एन का और एक ए एन का, ए एन का सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर था, अब एस एन का लगा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, टेंथ क्वेश्चन पे आ गए हम, क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, जो पहले 15 मल्टीपल आएंगे 8 के, उनका क्या निकालना है, सम निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, टेंथ वाले बच्चे भी कर लेना और जो बच्चे हैं वो भी कर लेना, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, 8 के मल्टीपल लिखेंगे, 8 का मल्टीपल पहला क्या आएगा, 8 आएगा, फिर क्या आएगा 16 आएगा, फिर क्या आएगा 24 आएगा, इस तरीके से आते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 120 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 120, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, डी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 8 आएगी, 16 माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, 15 हमारे पास क्या दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 15 दे रखी है, क्लियर। अब हमें क्या निकालना था, सम निकालना था, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस का वन इंटू में डी, ठीक है। एन की वैल्यू कितना निकालना है हमें बताओ, कितना निकालना है, एस 15 निकालना है, तो एस 15 हो गया, तो 15 बाय टू टू इंटू ए की वैल्यू क्या दरखी है, 8 प्लस में 15 माइनस का वन 14 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या दरखी है 8, ठीक है। अब ये 2 पे तो 15 कटेगा नहीं, तो 2 को हम क्या कर देते हैं, एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। तो 15 बाय 2 अंदर का सोल्व करते हैं पहले, 16 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 112, 14 आठ 112, ठीक है, 112, क्लियर। तो अब ये क्या गया, 15 बाई 2 इंटू में हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा 128, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 छके 12, 2 छके 8, ठीक है। तो 15 इंटू में क्या आ गया, 64, तो 15 इंटू में 64 हमारे पास क्या आ जाएगा, 960 आ जाएगा, ठीक है। तो एस 15 हमारे पास कितना आ गया, 260 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया 15 टर्म्स का, जो कि इसकी मल्टीपल थी 8 की मल्टीपल थी। आगे समझ में, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आएंगे ना, उनका सम निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखने पड़ेंगे, ऑड नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला ऑड नंबर क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 49 आएगा, क्लियर। अब हमारे पास देखो जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस का वन इंटू में डी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस का वन कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, तो हमारे पास जो ये हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, क्योंकि ऑड जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे, 25 आएंगे, क्लियर। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। अब इनका क्या निकालना था, सम निकालना था, तो पुट कर दो इसके अंदर, क्या हो गया, एस 25 इज इक्वल टू एन बाई टू, यानी कि 25 बाई में 2 इंटू 2 इंटू ए, ए की वैल्यू क्या 1 प्लस में एन माइनस का 1, यानी कि 21 माइनस का 1 24, 25 माइनस का 1 24 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 25 बाई में 2 अंदर क्या बच गया, 2 प्लस का 48, ठीक है। तो 25 बाई में 2 इंटू में क्या आ गया, 50
ये हमारा किस पे कैंसिल हो गया, 25 पे। तो 25 × 25 सबको पता है, 25 × 25 क्या होता है, 625 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सम आएगा ऑड नंबर्स का 0 और 50 के बीच में कितना होगा, 625 होगा, ठीक है। कितना होगा, 625 होगा, क्लियर। ये मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं दोनों एक्सरसाइज के, 5.2 के भी 5.3 के भी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों तक भी पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।